बात करने नहीं देगा। वो उन गोलियों को पानी में फेंक देता है। ये देखकर जिम बहुत गुस्से में आ जाता है और रिगी से मार पीट करने लगता है। रिगी उसे संभाल लेता है। जिम अब रिगी से अपने ड्रग्स के पैसे मांगने लगता है, लेकिन रिगी उसे कोई पैसे नहीं देता। रिगी अब जिम पे कंट्रोल कर लेता है। जिम रिगी से पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो रिगी कहता है कि उसके बुरे वक्त में किसी ने उसकी भी मदद की थी। जिम रिगी के सामने गिड़गिड़ाता है, लेकिन रिगी उसे कहीं नहीं जाने देता। रिगी जिम के कमरे के बाहर ही बैठकर पहरा देने लगता है और जिम को नशे से दूर रखता है। जिम अब नॉर्मल होने लगता है। तब रिगी उसे कहता है कि उसे काम पर जाना पड़ेगा और जिम को खुद पे कंट्रोल करने को भी बोलता है। वो कहता है कि जब जिम अपनी किताब लिखेगा तो वो उसमें रिगी का भी नाम लिखे, क्योंकि रिगी ने जिम की डायरी पढ़ी होती है जिसे जिम हमेशा लिखता रहता था। रिगी के जाने के बाद जिम खुद पर कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पूरा कमरा घूमते हुए नजर आता है। वो घर में पैसे ढूंढता है, लेकिन उसे वहाँ कुछ नहीं मिलता। फिर वो अपनी एक दोस्त दियाना के पास पैसे मांगने जाता है। दियाना उसे पैसे देने से मना करती है।